जरूर ये कोई साजिश है। विपति जे, पर इस बहादुर का क्या, ये तो हमारी आंखों के सामने ही मुर्गा बन गया। चाचे मेरे बहादुर को डरा दिया, जाओ उसे लेकर आओ, मेरे बहादुर को कुछ नहीं होना चाहिए। बहादुर का चिकन फ्राई बनाकर खा रहा, मैं तन्ने छोड़ूंगी नहीं। आ, पर ओ बंदूकड़ी जी, ओ ये रहा आपका बहादुर। हैं? ओ मेरा बहादुर जिंदा है, पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं तो अभी भी आपसे कहता हूँ बंदूकड़ी जी, ये कोई बहादुर नहीं है। निकालो, अरे कहाँ जाता है, जल्दी बाहर निकालो, खोजी सिंह को बाहर निकालो। खोजी सिंह जी, आपको फंटूस नगर छोड़कर जाना ही होगा, हम सबको मुर्गा बन के रहने का कोई शौक नहीं है। मेरी बात तो सुनिए दोस्तों, मैंने ऐसे कोई सिग्नल स्पेस में भेजे ही नहीं। तो एलियंस ने जो वीडियो दिखाया, क्या वो सब झूठ है? उस वीडियो में तो मैं ही था, पर जो लास्ट में स्पेस में सिग्नल्स भेज रहा था वो मैं नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। वाह, तुम थे भी और नहीं भी, ये क्या बात हुई, हमें कुछ नहीं पता, 24 घंटों के अंदर ये शहर छोड़ दो खोजी। भतीजे बलवंत बंदूकनी जी, क्या आप लोग भी यही सोचते हो? मैंने हमेशा फंटूस नगर की भलाई चाहिए, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने देखा था उस वीडियो में जब खोजी अंकल स्पेस में सिग्नल्स भेजते हुए दिखाई दिए, पीछे कैलेंडर में तारीख थी 19 मार्च, पर उस दिन तो आप और चाचू शहर से बाहर गए थे, इसका मतलब आपने वो सिग्नल्स भेजे ही नहीं। बाप दीजिए, वो तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बातें आती कहाँ से हैं? एक बात और, अगर वो एलियंस इतने ही ताकतवर हैं और किसी को भी मुर्गा बना सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले खोजी अंकल पर हमला क्यों नहीं किया? ये जरूर खोजी अंकल के खिलाफ कोई साजिश है। चलो लैब में चल कर देखते हैं, इसकी जड़ तक तो जाना ही होगा। ओए पतीजे, ओए तू आखिर खोजी के लैब में टूट क्या रहा है? एलियंस ने जो वीडियो दिखाया था उसमें खोजी अंकल की लैब का यही हिस्सा था, क्योंकि वीडियो में सीन राइट साइड से दिखाई दे रहा था, किसी ने यहीं से वो सीन शूट किया होगा। टेनिस बॉल फेंकनी है और दूसरे टीम मेंबर को उस बकेट में टेनिस बॉल्स को पकड़नी है, पर हाथ का इस्तेमाल किए बिना। जिस टीम ने सबसे ज्यादा टेनिस बॉल्स जमा किए वो ये गेम जीतेगी। रेडी स्टेडी गो। अगर ये दोनों इस तरह खेलते रहे तो जीत जाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। अब देखता हूँ ये लोग कैसे जीतते हैं। चाचा इन मार्बल्स पर फिसल कर नीचे गिर जाएंगे और भतीजा इस गेम से बाहर हो जाएगा। ओहो, ये चाचू को क्या हो गया? अब मुझे ही कुछ करना होगा। बिट्टू की टीम ने बकेट में डाली 7 बॉल्स और भतीजा की टीम ने डाली 9 बॉल्स। तो फर्स्ट राउंड के विनर हैं चाचा भतीजा।
ग्राउंड में आप और आपके पार्टनर को पीठ के सहारे इस फुटबॉल को बैलेंस करना है। चल कर जाइए या दौड़ कर जाइए, जो टीम पहले उस तरफ पहुंचेगी वो टीम जीतेगी बेस्ट फ्रेंड्स जोड़ी का खिताब। जो भी करिए बस इतना ध्यान रहे कि फुटबॉल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। चाचा भतीजा एक राउंड तो जीत गए लेकिन दूसरा राउंड जीत नहीं पाएंगे। अब देखो इस खुजली पाउडर का कमाल। चाचा जी, मैंने जो खाकरा सिंह से कहा था कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट, इसी के लिए नहीं रुकता। रे चाचा कहाँ जा रहा है, मारी थोड़ी मदद कर दे। बंदूकनी जी, क्या आपने चाचू को देखा है? वो मुझे यहीं पर मिलने वाले थे। देख लिया तेरे चाचा को, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मैंने चाचा से मदद मांगी और वो मुंह फेर कर चला गया। किसी को मदद की जरूरत हो और चाचू ना करे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। आइडिया, चाचा डॉन, क्या बात है? आज आप मार्केट के लोगों से हफ्ता वसूल नहीं करेंगे? यहाँ तो चाचा डॉन के नाम से ही लोग थर थर कांपते हैं। अब देखो चाचा डॉन का कमाल। ओए लकड़ी वाले, ला मेरे हफ्ते के पैसे निकाल। चाचा मजाक कर रहे हो क्या? ओए चाचा नहीं, चाचा डॉन, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। क्या तुमने देखा, लकड़े वाले ने चाचा डॉन को पैसे नहीं दिए तो उसका क्या हाल हुआ? अपनी जान प्यारी है तो चाचा डॉन को पैसे दे दो। हाँ, चाचा को पैसे दे दो, पर ये कौन बोला? चाचा डॉन, आपने तो कमाल ही कर दिया। बंदूकनी जी, चाचा ने हम सबसे हफ्ता वसूली की। ओए भतीजे सुन, तेरा चाचा तो चाचा डॉन बन गया। इब बोल भतीजे, के हो गया थारे चाचे ने? मुझे तो खुद इस बात की चिंता हो रही है कि ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों, कल मेरे लैब में शायरी सम्मेलन है, आना मत भूलना। रखो जी, तन्ने कब से शायरी का शौक चढ़ गया है? शायरी तो मेरे रग रग में है। दूर से देखा तो बंदूकनी बाल बना रही थी, दूर से देखा तो बंदूकनी बाल बना रही थी, पास जाकर देखा तो गाय पूछ हिला रही थी। खोजी अंकल और चाचू दोनों ही आज अपने कैरेक्टर में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना होगा। आप लोगों को कुछ और शायरी सुनाता हूँ। और रुक जा खोजी, तन्ने अभी बताती हूँ। पर्सनालिटी चेंजिंग डिवाइस का डिजाइन आदमी की पर्सनालिटी बदल देता है। अपने पुराने टेबल के टायर किस दिन काम आएंगे? मैं उसी के रोलर स्केट्स बना लूंगा। रे बहादुर, तू अपना तोंद लिए ठीक से भाग नहीं सकता और तू इस रेस में हिस्सा ले रहा है? On your box, get set, go! अरे मामा जी, हम सबसे पीछे हैं। जल्दी कुछ कीजिए। अरे बहादुर, तुम वही पुलिस वाले हो ना जिसने बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है? मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मामा मिया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इस मामा जी ने तो हमें खनचक्कर बना दिया। ओ मामा मिया, आई बात समझ में, मैंने सबके साथ चीटिंग किया।
भैंस की पूंछ, रेस अब शुरू भी ना हुई कि तुम दोनों का खेल खत्म हो गया। ऊपर से मेरा मेकअप भी खराब कर दिया। बिक्री भाई, लगता है आज हमारी किस्मत में घूमना ही लिखा है। ओए 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 पतिजे, ओ ये सीधी सीधी स्केटिंग करना क्या काम था कि अब ये टेडी बेडी स्केटिंग करनी पड़ेगी? ओ ये मुझसे नहीं होगा। आइडिया चाचू, सोचो अगर उस कोने पर एक जलेबी की दुकान होती तो आप क्या करते? जलेबी? अब सोचिए अगर उस कोने पर भी एक जलेबी की दुकान होती तो आप क्या करते? और जलेबी? ओह, मैं तो अपने आप ही जलेबी की तरह खिंचा चला जाता हूँ। अब भल्ला को रेस से बाहर करने में उसकी कंजूसी ही काम आएगी। हाँ। ओ, ओ, भल्ला जी।